हेलो एवरीवन आई होप आप सब एकदम स्वस्थ एकदम मस्त और एकदम बढ़िया सो so, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड एग्जाम एकदम नजर एकदम नियर वेरी क्लोज बाय है सो so, हम लोग फटाफट से एक बार आज का क्विक डिस्कशन करते हैं दिस इज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ओनली 15 टू 20 मिनट्स जिसमें मैं आपको तीन चीजें बताने वाली हूँ पहला लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट ठीक है आ, इतिहास गवाह है पिछले दो अटेम्प्ट से जो जो मैं इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट बता रही हूँ वो आ रहे हैं को तो वो पूरी मैं छह सात अटेम्प्ट की स्टडी करने के बाद आपको बताती हूँ तो वो आप लोग नोट डाउन कर लेना इस वीडियो के साथ साथ दूसरा हाउ टू राइट ड्राफ्ट ड्राफ्ट लिखने कैसे होते हैं ठीक है मतलब ये एग्जाम में एक बहुत बड़ा परेशानी एक बहुत बच्चे कहीं ना कहीं छोटी छोटी जगह स्टक हो जाते हैं तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताने आई हूं एंड तीसरा इंपॉर्टेंट है आखिरी घंटी ठीक है इस वीडियो का नाम है आखिरी घंटी तो हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं सबसे पहले तो मैं आपको लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट बता देती हूँ आई ना तो मैं चाहती हूँ आप लोग क्विकली मेरे साथ लिखते जाएंगे ठीक है कहीं पर एक जगह पेनसिल लिखे हैं तो बेटर होगा सबसे पहले वॉट ऑल इज एक्सपेक्टेड सिंस दो अटेम्प से पेपर्स थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल भी आ रहे हैं तो इस बार मैंने थोड़ी बड़ी लिस्ट बनाई है हर बार मैं बारह तेरह ड्राफ्ट देती हूँ इस बार मैं ज्यादा ड्राफ्ट लाई हूं सबसे पहले जो आपको यूनिट नंबर एट में डीड ऑफ अमल है वो आप लोग करके जाना उसके बाद अपना फेवरेट प्रूफ ऑफ क्रेडिटर इन एफिडेविट ठीक है एफिडेविट का जो प्रूफ एक क्रेडिटर देता है जो प्लीडिंग्स का है यूनिट नंबर नाइन में आपको दिया हुआ है ये तो आपको करके जाना ही है ये फिक्स है ये मैं आपको हर बार बोलती हूँ करने के लिए ठीक है तीसरा स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर डी लिस्टिंग ये आपको यूनिट नंबर थ्री में मिल जाएगा डी लिस्टिंग का आपको एक बार स्पेशल रेजोल्यूशन करके जाना है अब इसका मैं आपको एक बार बता दूं कि जब भी आपको क्वेश्चन आता है रेजोल्यूशन uh, सिर्फ रेजोल्यूशन लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर रेजोल्यूशन लिखने के लिए आता है तो आप अपना आंसर शुरू करते हो पहले टाइप ऑफ मीटिंग फिर नीचे लिखते हो टाइप ऑफ रेजोल्यूशन जैसे टाइप ऑफ मीटिंग जनरल मीटिंग

नेक्स्ट इज रेवोकेशन ऑफ ट्रस्ट ठीक है ट्रस्ट वाले जो क्वेश्चन है जो आपको यूनिट नंबर सेवन में है आई गेस ठीक है मैं थोड़ा सा यूनिट से इधर उधर गड़बड़ कर सकती हूं पर जो पूरा ट्रस्ट वाला टॉपिक है उसमें आपको रेवोकेशन ऑफ ट्रस्ट का एक क्वेश्चन है वो इसमें आ सकता है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट गारंटी कॉन्ट्रैक्ट की इस बार उम्मीदें हैं मुझे गाइस गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में जैसे बैंक गारंटी आ सकता है ठीक है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस आई I mean, मीन गारंटी आ सकता है ठीक है तो इसकी मुझे उम्मीदें है ठीक है तो ये आप लोग अच्छे से करके जाना है ना उसके बाद सेवेंथ पिटिशन फॉर प्रोबेट ऑफ बिल वैसे तो मुझे इसको बोलने की आपको जरूरत नहीं है पर आपको सारे मिसलिनियस ड्राफ्ट जो आपको पीछे दिए हुए हैं मिसलेनियस ड्राफ्ट ये आपको अच्छे से मेरी जान करके जाने हैं मतलब ये तो मैंने एक लिखा है पर आपको मिसलिनियस ड्राफ्ट तो सारे ही करके जाने हैं ठीक है नेक्स्ट इज इेवोकेबल पावर ऑफ अटोर्नी ना नेक्स्ट मुझे जो लगता है वो है इरेवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी जो कि कंपनी और बैंक के बीच में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में बनता है जिसमें कंपनी बैंक को ही एक ऑथोरिटी देती है कंपनी बैंक को एक ऑथोरिटी देती है कि आप हमारे चार्ज होल्डर तो हो ही साथ में आप हमारे डोनी बन जाओ और इसी प्रॉपर्टी को की देखभाल करो तो जो बैंक होती है वो चार्ज होल्डर के साथ साथ उसको अटर्नी भी मिल जाती है पावर ऑफ अटर्नी भी मिल जाती है तो चूंकि दोनों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है इसलिए वो इर्रेवोकेबल बन जाती है ठीक है नाइन्थ सूट फॉर इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट ठीक है ये तो आपको मालूम है ये कहां पर है ये आपका है अगेन मिसलेनियस ड्राफ्ट में ठीक है तो ये भी मिसलेनियस ड्राफ्ट में आपको मिल जाएगा और अच्छा ये एट पॉइंट वाला जो है ये आपका यूनिट फाइव है, में है ये सब ओल्ड सिलेबस का है फिर लीज सब लीज, ना लीज, सब लीज की एक बार बस आप ये रीड करके भी चले जाओगे में है। I think, में है एक बार रीड करके भी चले जाओगे तो काम हो जाएगा ठीक है यूनिट सिक्स में उसके बाद नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ एम डी का रेजोल्यूशन ठीक है आपको रेजोल्यूशन एमडी के अपॉइंटमेंट का प्रिपेयर करके जाना है अच्छा एक बार आपने एमडी का याद कर लिया तो आप एडिशनल डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सबका बना लोगे बस आपको थोड़ा सा का ध्यान रखना है जैसे MD के अपॉइंटमेंट में आप 197 भी इंक्लूड करोगे क्योंकि रेमुनेशन होता है 203 भी इंक्लूड करोगे क्योंकि के होता है तो बस उस चीज का ध्यान रखना कि जो अपॉइंटमेंट वाले रेजोल्यूशन है वो एक बार करके जाओ ठीक है उसके बाद नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग ठीक है जनरल मीटिंग का नोटिस मुझे एक्सपेक्टेड है अब जनरल मीटिंग भी हो सकता है बोर्ड मीटिंग भी हो सकता है तो एजीएम ईजीएम बोर्ड मीटिंग इनके नोटिस आने की उम्मीदें हैं ठीक है तीसरा सेल ऑफ प्रॉपर्टी बाय जॉइंट फैमिली ठीक है तो जॉइंट फैमिली जो है जॉइंटली होल्ड प्रॉपर्टी को अगर बेचना चाह रही है तो वो भी इसमें इंपॉर्टेंट मुझे एक्सपेक्टेड है ठीक है जॉइंट प्रॉपर्टी सेल करना ठीक है उसके बाद नेक्स्ट इज रेजोल्यूशन फॉर शिफ्टिंग रजिस्टर्ड ऑफिस ठीक है रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करने का मोस्टली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट ही एक्सपेक्टेड है है ना बट आपको कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा ध्यान रखना पड़ेगा जैसे एक सिटी में ही अगर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा या अगर आर ओ सी भी चेंज हो रहा है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा आरडी का अप्रूवल लगेगा तो वो सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे सब्जेक्ट टू अप्रूवल आरडी लिखो आप वैसा तो वो चीजों का आपको ध्यान रखना है फिर नोटिस अंडर सेक्शन 80 ऑफ सी पी सी ये भी आपको मिसलेनियस में मिल जाएगा ठीक है ये भी आपको मिसलेनियस में मिल जाएगा अच्छा सॉरी ये वाला आपको आ, ये यूनिट थ्री का है वैसे तो आपको ये सब मालूम ही है ये भी यूनिट थ्री का है ठीक है ये यूनिट आई गेस फोर का है सेल ऑफ जॉइंट प्रॉपर्टी ठीक है या फिर सिक्स का भी हो सकता है एक बार देख लेना मॉड्यूल में फिर ये यूनिट थ्री का है और ये मिसलेनियस में आएगा ठीक है उसके बाद इस बार मुझे एस एल पी की उम्मीदें हैं है ना एस एल पी आपको यूनिट नंबर टेन में दिया हुआ है तो एस एल पी एक बार आप लोग प्रिपेयर करके जाना स्पेशल लीव पिटिशन डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की डीड डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इसमें एक और चीज एड हो जाती है वो है सेल ऑफ शेयर बाय वन पार्टनर टू अनदर ठीक है एक पार्टनर जब दूसरे पार्टनर को बेचेगा तो ये आपको यूनिट नंबर आई गेस सेवन में मिल जाएगा पार्टनरशिप है ना तो वो आप लोग अच्छे से करके जाना एंड लास्ट जो इंपॉर्टेंट आफ्ट है वो है असाइनमेंट ऑफ गुडविल ठीक है गुडविल का असाइनमेंट तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि जो आपको आ सकता है तो ये टोटल एटीन इंपॉर्टेंट हैं अगर आप सिर्फ ये सिर्फ ये करके भी चले गए नथिंग मोर सिर्फ ये करके भी चले गए तो मेरा एनालिसिस ही बोलता है कि आपका काफी कुछ हो जाएगा बट दीज ड्राफ्ट आर ओनली फॉर वन डे बिफोर कोई भी अब नई न्यू राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेगा ठीक है देखो बेटा आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो पढ़ा हुआ है अपने को उतना ही पढ़ना है हाँ मॉड्यूल्स आप ये वाले ड्राफ्ट्स को गोथ्रू कर सकते हो ये जो 18 ड्राफ्ट्स मैंने बताए हैं ये आप गोथ्रू जरूर कर सकते हो ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट का कंप्लीट हो गया अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू राइट ड्राफ्ट अब देखो देखोगा ये इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनना जब भी भी आपको क्वेश्चन आता है आपको पंद्रह मिनट मिलेंगे पेपर पढ़ने के लिए ठीक है तो जब भी आप पेपर पढ़ोगे तो आप क्या करोगे अपनी कॉपी में मतलब उस समय नहीं बट जैसे आपको कॉपीज मिलेगी तब आप अपनी कॉपी में पेंसिल से सारे ड्राफ्ट के ठीक है स्टार्टिंग के टेन मिनट्स में ठीक है स्टार्टिंग के टेन मिनट्स में देखोगाई अपन स्टार्टिंग में बड़े ना जोश में रहते हैं है ना तो अपने को ध्यान रखना है कि अपन स्टार्टिंग में ही पेंसिल से ही क्या कर लेंगे ड्राफ्ट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे फॉर एग्जांपल अगर समझ लो आ गया जस्ट अ सेकेंड हाँ जी सो फॉर एग्जाम्पल जैसे आ गया आपको प्रॉपर्टी तो सबसे पहली स्टेप आपकी क्या होनी चाहिए सबसे पहली स्टेप आपकी होनी चाहिए टू स्टेप नंबर वन इज राइट पॉइंट इन रफ क्योंकि देखो क्या होता है ना एक सिंपल मैं आपको चीज बताती हूँ कि आपने पूरा पेपर पढ़ा तब आपके दिमाग में ना दस से बारह क्वेश्चंस के आंसर्स घूमने लग गए दिमाग में जो जूम 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 घूमने लग गए समझ में आ रहा है अब उस समय जब आप पॉइंट सोचने की कोशिश करोगे तो आपको परेशानी होगी ठीक है मैं जैसे हर बार रेगुलर क्लास में भी जो आपके ड्राफ्ट्स आप लिखते हो वहां पे साइड में आपको की लिखवाती थी याद आया तो वो जो की आप एक दिन पहले पढ़कर जाओगे वन डे बिफोर एग्जाम पढ़कर जाओगे वही पॉइंट्स आपको रफ में लिखने रहेंगे यहां तक क्लियर है ठीक है वही पॉइंट्स आप लोग रफ में एक लास्ट पेज पे लिख दो अपने सारे ड्राफ्ट्स के जितने भी ड्राफ्ट्स आपको आए हैं इसके लिए आपको 10 मिनट का समय स्टार्टिंग में देना पड़ेगा बट ट्रस्ट मी ये मैं अपना तरीका बता रही हूँ जो मैंने अपने एग्जाम में फॉलो किया था एंड आई स्कोरड एक्जम्पशन मैं वो क्वांटिफिस बता रही हूं जब मेन क्वेश्चन आएगा तब अगर आप लिखने जाओगे तो आप बहुत सारे पॉइंट्स भूल जाओगे लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में जब से पेपर आएगा तभी अगर आप रफ में पॉइंट्स लिख दोगे तो आपका काफी सारा काम हो जाएगा यहां तक क्लियर है तो सबसे पहले तो हमने पेपर में ये कर लिया अब दूसरा हम क्या करेंगे जब वो ड्राफ्ट आएगा ठीक है तो मेजरली जो ड्राफ्ट आते हैं मैं आपको बता देती हूँ मेजरली जो ड्राफ्ट आते हैं वो आपको क्वेश्चन नंबर टू में आते हैं टू या टू ए में जिसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे और एक क्वेश्चन नंबर फाइव आता है जिसमें आठ मार्क के दो ड्राफ्ट आते हैं ठीक है इसमें आपको जनरली ऑप्शन ऑप्शन नहीं मिलता है इस वाले में नहीं मिलता है इस वाले में ऑप्शन मिलता है ठीक है बट ट्रस्ट मी मार्क माई वर्ड्स अगर आपको ड्राफ्ट अच्छे से आता है आप ड्राफ्ट वाला ऑप्शन ही चूज करना क्योंकि उसमें ज्यादा स्कोर करने के चांसेस होते हैं ठीक है इसमें आपको बहुत ज्यादा आंसर सोच के नहीं लिखना होता है आपने पॉइंट्स पढ़े हुए हैं आपको लिखना रहेगा तो एक ही तरीका है अब वो चूज करना जिसमें आपको ड्राफ्ट आए ठीक है क्योंकि जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन रहेगा उसमें कोई ना कोई एक आध क्वेश्चन ट्रिकी रहेगा क्योंकि उन लोगों ने उस ऑप्शन में ड्राफ्ट नहीं पूछे हैं ठीक है थीके? यस yes, अब ये वाला जो आट से मार्क का है इसमें आपको करीब करीब डेढ़ पेज का मिनिमम आंसर लिखना है कितना डेढ़ पेज का मिनिमम आंसर मिनिमम बोल रहे हो दो पेज का भी गया तो चलेगा और ये वाला जो है इसमें आपको एक से डेढ़ पेज का मैक्सिमम आंसर लिखना है ठीक है तीसरा मैम क्या हम डैश डैश करके लिख सकते हैं जैसे आप क्लास में लिखवाते हो मिस्टर ए सन ऑफ डैश रेसिडेंट ऑफ डैश ऐसे लिख सकते हैं क्या आप लिख सकते हो लेकिन आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना क्या आपको उसमें कोई भी तरह के फैक्ट्स दिए हुए हैं ऑलरेडी कि राम ने अनुज को ये फलाना प्रॉपर्टी भेजी ठीक है तो ये फलाना प्रॉपर्टी भेजी ऐसे करके आपको बोला हाँ? तो अगर ऐसा कुछ है अगर आपको पूछा गया है तो फिर आप उसमें वैसे फैक्ट्स लिखोगे पर अगर आपको नहीं पूछा गया है तो फिर आप फैक्ट्स नहीं लिखोगे समझ में आया सबको यस yes. अगर आपने कोई फैक्ट्स अज्यूम किए हैं तो यू जस्ट हैज्यूम्ड फॉर बेटर प्रेजेंटेशन यहाँ तक क्लियर है ठीक है आखिरी में इफ एट ऑल आपको पॉइंट्स कम पड़ रहे हैं तो फिर आप आर्बिट्रेशन और ये जो फालतू फालतू के क्लॉजेस होता है ना जैसे मैं आपको एक दो क्लॉजेस बताती हूँ आर्बिट्रेशन प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम एनकम्बर है ना प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम एनकम्बर ठीक है उसके बाद अपना कंसिडरेशन है ना सवाल क्या आता है मैम हैव टू होल्ड हेबेंडम किस में लिखना है सारी ट्रांसफर डीड्स में लिखना है ठीक है सारी ट्रांसफर डीड्स में आपको लिखना पड़ेगा है ना यस नाउ हाँ तो जितनी भी सेल डीड हो गई गिफ्ट हो गई जितनी भी कन्वेंस डीड हो गई मॉडगेज हो गई है ना फिर उसके बाद आपकी हाँ मॉडगेज सेल कन्वेंस, फिर आपकी पार्टनरशिप में अगर कोई प्रॉपर्टी जा रही है गुडविल में प्रॉपर्टी जा रही है तो इन सब में आप क्या लिखोगे हेबेंडम क्लॉज लिखते हो ठीक है तो ये कॉमन क्लॉज हो गया अगर कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है तो आप टर्मिनेशन वाला इसमें लिख सकते हो ठीक है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला इसमें लिख सकते हो ठीक है तो ये चार पांच पॉइंट्स तो आपकी फिक्स ही है ठीक है ये चार पांच पॉइंट्स तो आपके फिक्स इसमें है समझ में आया कि सबको बहुत अच्छे से कोई डाउट समस्या आपत्ति किसी को भी बड़े आगे ठीक है तो इतना तो हम लोगों ने कंप्लीट किया ठीक है ये कंप्लीट करने के बाद फिर उसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद आपको एक बार अपने ड्राफ्ट को रिवाइज करना है कंक्लूड करने से पहले मतलब आर्बिट्रेशन वाला आखिरी पॉइंट लिखने से पहले आपको एक ड्राफ्ट लिखना जरूरी है आर्बिट्रेशन सॉरी लिखने से पहले आपको एक पूरा रिवाइज करना जरूरी है कि क्या मैंने सारी चीजें इसमें कवर करी ठीक है क्या एक आध कोई पॉइंट में ऐड कर सकता हूं अगर नहीं कुछ नहीं बचाए तो फिर आप आखिरी में आर्बिट्रेशन लिखेंगे और इसकी सभा को आप समाप्त करोगे एक बार रिवाइज करके फिर आपको कंक्लूड करना है स्केड किस किस में आता है हर इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले केस में आपको स्केड्यूल लिखना जरूरी है तो जितने भी इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले केसेस होंगे उसमें आपको स्केड्यूल बनाना है इन द नॉर्थ ऑफ डैश इन द साउथ ऑफ डैश इन द ईस्ट ऑफ डैश इन द वेस्ट ऑफ डैश बस बाकी आप कहीं पर भी दिमाग मत लगाना ठीक है तो आपको क्या करना है सबसे पहले तो रफ में पॉइंट्स लिखने हैं ठीक है चीके? अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है तो आपको चूज करना है ड्राफ्ट वाला क्वेश्चन अदरवाइज एट क्वेश्चन में तो आपको सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन में जो आठ आठ के आएंगे उसमें तो आपको पूरे दो से दो पेज का तो लिखना ही है ठीक है उसके बाद आप डैश डैश करके लिख सकते हो बट क्वेश्चन में फैक्ट्स पढ़ लेना ये वाले कॉमन पॉइंट्स हैं ये वाले कॉमन पॉइंट्स आप लिख ही सकते हो यहाँ तक क्लियर है बहुत अच्छे से ठीक है तो ये हो गया गाइज हमारा ड्राफ्टिंग से रिलेटेड है ना अब अगर हम डीडी की बात करते हैं तो इसी वीडियो का एक सेकंड पार्ट आएगा जिसमें मैं आपको डीडी के बारे में बताऊंगी ठीक है सो स्टे ट्यून्ड मैं आपको डीडी के बारे में इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ वीडियो अलग अलग इसलिए बिकॉज दोनों सब्जेक्ट अलग अलग ग्रुप्स में ठीक है तो जो पार्ट टू है इस वीडियो का उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ डीडी आने वाला है ठीक है गाइज

एग्जाम के बाद आकर बताना ठीक है बट प्लीज किसी के साथ कोई भी पेपर डिस्कस मत करना शिद्दत से अगर इतने दिन मेहनत की है तो और कुछ दिन सही फिर मिलके पार्टी करेंगे अपन है ना गाइस ऑल द बेस्ट बाय बाय सी ओ फॉर पार्ट टू इन डी डी यस